हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की इन ए मल्टी फाइल प्रोग्राम। तो देखिए, वेरिएबल्स को कैसे डील करते हैं मल्टी फाइल प्रोग्राम में। तो फर्स्ट वी राइट टुडे टॉपिक इज वेरिएबल इन वेरिएबल्स इन मल्टी फाइल प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है कि विद इन ए मल्टी फाइल प्रोग्राम एक्सटर्नल और यू कैन से ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड इन वन फाइल एंड एक्सेस्ड इन अनदर। मतलब जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं, उनको एक फाइल में हम डिफाइन करते हैं और दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी अदर फाइल। We again emphasize the distinction between the definition of an external variable and its declaration. तो इसमें आपको देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल के डेफिनेशन, एक्सटर्नल वेरिएबल का डेफिनेशन, ठीक है, और एक्सटर्नल वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ये दो अलग चीजें हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह ध्यान रखिए कि एक्सटर्नल वेरिएबल का डेफिनेशन अलग चीज है और उसका डिक्लेरेशन अलग चीज है। इसमें क्या होता है, एन एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन कैन अपीयर इन ओनली वन फाइल। तो जो उसको एक्सटर्नल वेरिएबल को आपको डिफाइन करना है, या आप किसी एक फाइल में अगर आपने उसको डिफाइन कर दिया ओनली वन फाइल में, तो दैट इज सफिशियंट। Its location within the file must be external to any function definition. Usually, it will appear at the beginning of the file ahead of the first function definition. मतलब कि इसको जो आप define करते हैं वो usually क्या करते हैं, in the beginning of the file and ahead of the first function definition. External variable definitions may include initial values, any external variable that is not assigned. ठीक है, an initial value will automatically be initialized to zero. The storage class specifier extern is not required within the definition. ठीक है, हालांकि कई वर्जन में सी के क्या होता है कि स्पेसिफिकली forbid the appearance of this storage class specifier in external variable definitions. Hence, external variable definitions are recognized by their location within the defining files and by their appearance. ठीक, अब इसमें बात क्या होता है कि in order to access an external variable in another file, the variable must first be declared within that file. This declaration may appear anywhere within the file. Usually, however, it will be placed at the beginning of the file. Ahead of the first function definition, the declaration must begin with the storage class specifier extern. Initial values cannot be included in external variable declaration. जब आप external variable declaration कर रहे हैं तो उसमें आप उसको initialize नहीं कर सकते। The value assigned to an external variable may be altered within any file in which the variable is recognized. तो अब इसमें इस एक्सटर्नल वेरिएबल को जो भी आपने वैल्यू जिस भी फाइल्स में ये यूज किया जा रहा है, उनमें से कोई भी फाइल जो है उसके वैल्यू में, एक्सटर्नल वेरिएबल के वैल्यू में चेंजेस कर सकती है। सच चेंजेस विल बी रिकग्नाइज इन ऑल अदर फाइल्स दैट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। Hence, external variables provide a convenient means of transferring information between files. तो अगर आपको कई फाइलों के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना हो एक फाइल से दूसरी फाइल में, तो सबसे अच्छा ये है कि आप उसको एक्सटर्नल वेरिएबल की हेल्प से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इस चीज़ को हम आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको कि सपोज कीजिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक टू फाइल सी प्रोग्राम बनाते हैं,
ठीक है। अब मान लीजिए टू फाइल सी प्रोग्राम में फर्स्ट फाइल जो है, ठीक है, फर्स्ट फाइल में क्या है, हमने फर्स्ट फाइल में डिक्लेयर किया इंटीजर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल डेफिनेशन हो गया। अब उसके बाद एक्सटर्नल, अब हमने दूसरा फंक्शन डिक्लेयर किया, तो यहां फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं एक्सटर्न वॉइड ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल वेरिएबल का डिक्लेरेशन, वो डेफिनेशन था, ये हो गया डिक्लेरेशन। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जैसे मेन फंक्शन हम यूज करते हैं, हमने कहा मेन, ठीक है, अब ये मेन जो हमने क्या है, ये क्या हो गया, ये एक तरह से हो गया फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक। फिर अपना मेन हमने यहां से स्टार्ट किया, जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं वो हमने लिख दिए और यहां पे मेन क्लोज कर दिया। ये तो हो गया फर्स्ट फाइल में। अब सेकंड फाइल में क्या होगा, तो सेकंड फाइल में देखिए, सेकंड फाइल में आपने ये डिक्लेयर किया एक्सटर्न इंटीजर ए बी सी, इंटीजर ए बी सी, ठीक है, ये आपने डिक्लेयर कर दिया, ये हो देखिए गया इसको हम लिखते हैं तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल वेरिएबल, हम लिखेंगे यहाँ पे। वेरिएबल तो पहले तो हमने एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया, डिक्लेरेशन, एक्सटर्न इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, और ठीक है। अब अब इसका इसके हम बाद फंक्शन हम की यहाँ पे बॉडी फंक्शन की बनाएंगे। तो बॉडी हमने लिखा बनाएंगे, तो हमने एक्सटर्न लिखा वॉइड एक्सटर्न फंक 1, ये फंक 1 और हमने फंक्शन का नाम वॉइड रखा है, और वॉइड हमने इसलिए दिया हुआ है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब इसमें कमेंट लाइन में हम आपके समझने के लिए लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि एक्सटर्नल फंक्शन डेफिनेशन, देखिए वहाँ पे जो हमने किया था वो था डिक्लेरेशन, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन हमारा फंक 1 है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी स्टेटमेंट्स हैं फंक्शन के वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद ये करना है हमें कि एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अब इसमें देखिए आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी वेरिएबल्स हैं, द वेरिएबल्स ए बी एंड सी आर डिफाइंड एज एक्सटर्नल वेरिएबल्स विद इन द फर्स्ट फाइल एंड असाइन द इनिशियल वैल्यू, एंड असाइन द इनिशियल वैल्यू 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट फाइल। इसमें एक चीज और आप ये देखिए कि द फर्स्ट फाइल ऑल्सो कंटेन्स ए डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन मेन एंड ए डिक्लेरेशन फॉर द एक्सटर्नल फंक्शन फंक 1 विच इज डिफाइंड एल्सवेयर, मतलब फंक 1 डिफाइंड कहीं और किया है और हमने इसकी डेफिनेशन डिक्लेरेशन इसको किया हुआ है फर्स्ट फाइल में। तो इस तरह हम एक्सटर्नल वेरिएबल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब सेकेंड फाइल की जहाँ तक बात है, तो सेकेंड फाइल में आप देखिए कि विद इन द सेकेंड फाइल वी सी द डेफिनेशन ऑफ फंक 1 एंड ए डिक्लेरेशन फॉर द एक्सटर्नल वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी,
तो एक्सटर्नल वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है एबीसी को, और एक्सटर्नल फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो हमने देखिए स्टोरेज क्लास जो एक्सटर्न डिफाइन किया हुआ है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि द स्टोरेज क्लास स्पेसिफाइज एक्सटर्न अपीयर्स इन बोथ द डेफिनेशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द एक्सटर्नल फंक्शन फंक वन। दिस स्टोरेज क्लास इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिक्लेरेशन ऑफ द एक्सटर्नल वेरिएबल्स, बट इट डज नॉट अपीयर इन द डेफिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल वेरिएबल्स, मतलब इट डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट फाइल। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल वेरिएबल का इस तरह हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और जो स्कोप है एक्सटर्नल वेरिएबल ए बी और सी का, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम है, मतलब कि द यू कैन से द स्कोप ऑफ ए बी एंड सी इज थ्रू आउट और इज द एंटायर प्रोग्राम। Therefore, these variables can be accessed and their values altered in either file, whether it is in file one or it is in file two. Or you can say कि the value of these variable can be changed, can be altered in any function, whether in function one main or in function one. तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।